बीएस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बीएस में स्टडी कैसे की जाती है। अगर हम एक दिन भी ये इसको मिस करेंगे ना तो हमारी स्टडी बहुत पीछे रह जाएगी। सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद अली है, मैं बीएस उर्दू कर रहा हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामे मोहम्मदी शरीफ में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएस में स्टडी कैसे की जाती है। सबसे पहले हम प्राइमरी में पढ़ते थे, मिडल, मैट्रिक, एफए किया, उसके बाद बीएस में आए। ये जो पीछे वाली तालीम है ये अलग तालीम है और बीएस ये अलग है। बीएस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये शॉर्ट टाइम होता है, इसमें बहुत कम टाइम होता है क्योंकि इसमें असाइनमेंट भी हमने देनी होती है, प्रेजेंटेशन, क्विज, फाइनल सब कुछ देना होता है। तो बीएस जो है ना, इसमें हमें अपने दायरे के अंदर रहकर स्टडी करनी होती है, हर वक्त ही हमें मेहनत करनी होती है। जो काम रोजाना की बुनियाद पर मिलता है उसको हमने लेना होता है। अगर हम एक दिन भी ये इसको मिस करेंगे ना तो हमारी स्टडी बहुत पीछे रह जाएगी। तो इस वजह से जब हम पहली दफा आए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब हमने पहली दफा अपनी बीएस की पहली क्लास थी हमारी, तो हमें सर कहते थे कि आज रोज का काम रोज करो। पहले भी कहते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन वहां पर तो काम चल जाता था क्योंकि एक साल बाद एक पेपर होते थे तो हम एंड पर तैयारी कर लेते थे। तो जब बीएस में आए तो पता चला कि अगर एक दिन भी हम अपने एम से, अपने मकसद से पीछे जाएंगे ना तो हमारी जो स्टडी वो दूसरे अपने जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे पीछे रह जाएगी। तो जब हमने बीएस में आकर बहुत कुछ सीखा है स्टडी के हवाले से, स्टडी को कैसे लेना चाहिए, और बहुत सारे टीचर्स ने हमारा साथ दिया है, हमें लाइब्रेरी से किताबें निकलवा कर दी हैं, बताई हैं ये किताबें पढ़ें, गालिब के खतूत पढ़ें, मीर तकी मीर के पढ़ें, क्योंकि बीएस तो ओवरऑल बीएस पॉलिटिकल साइंस इस कॉलेज में है, इंग्लिश है और उर्दू है। मैं अपने तजर्बे के लिहाज से बताता हूँ कि जो बीएस उर्दू है ना उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके अंदर बुक्स बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ता है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनको हम खंगाल खंगाल के उनमें से एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी होती है और पांच पांच किताबें हम खंगाल देते हैं। और हमारे कॉलेज का विजिट करें, देखें, और यहाँ पर अपने बच्चों को एक सुनहरी मौका दें, वो आकर यहाँ पर तालीम लें। हमारे गाँव से, हमारे एरिया से बच्चे बाहर जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस कॉलेज में क्यों नहीं कर सकते। वस्सलाम।